लड़की अपा पासे डी से लड़की हुई है लड़की झाड़ू नहीं लगाने दे रहा है। क्या मैं झाड़ू नहीं लगाने दे रहा है, दूसरा झाड़ू दे दो। तो अभी सुबह के कुछ 7:45 और सुबह सुबह ही इतने जोर से रोया। क्यों रोया मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आके खेलने के लिए अभी इसको पूरा झाड़ू लगाना पड़ेगा, पर झाड़ू उसने पकड़ लिया, झाड़ू दे नहीं रहा है। ला बेटा झाड़ू ला, अपने आप झाड़ू नहीं दे रहा, क्लीन कर रहा है। इसकी मम्मी झाड़ू लेने गए पता नहीं किधर गई। पुनः राउंड टू झाड़ू लेने की कोशिश वापस। हूँ बेटा ए नहीं नहीं है आज झाड़ू ले 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 दे दिया दे दिया। इसके खिलौने हैं ना यहाँ पे, इसलिए वापस ये ले, वापस मांग लिया। ला बेटा ला ले आओ ले आओ। अरे चल ले 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 राम। दीमे दीमे ये रोज का हमारा 20-25 हो जाता है ऊपर नीचे इसके साथ। चल अंदर अंदर। ये देखो सुबह सुबह बच्चा मेरे भरोसे छोड़ के यहाँ पे अकेले अकेले ब्रेकफास्ट कर रही है। ऊपर से ये सब भी कर, ओ शिट ये सब भी करवा रही है। इतना सारा पानी, ये देख क्या कुछ नहीं फटेगा। सो गाइस सुबह के कुछ 8 बजे और अभी से धूप इतनी हार्श हो गई है ना, मेरी आंख भी नहीं खुल रही है। एनीवे हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। जब से मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है तब से हम ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे, ऐसे फेस टू फेस बात भी नहीं कर पा रहे थे, बट उसके कुछ रीजंस थे। तो खैर उन रीजंस को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। एनीवे आज संडे है और अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आ रही है, तो घर में कुछ साफ सफाई का प्रोग्राम चल रहा है बहुत दिनों से। पूनम और पापा और मम्मी करते रहते, मैं तो स्कूल जाता हूँ, तो आज बाहर जाने वाला था बट फिर सोचा कि चलो आज घर पे रहते, इन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करते। और अभी कुछ ही दिनों में हमारा 21 दिन का वैकेशन स्टार्ट होने वाला है, तब हम बहुत सी छोटी मोटी ट्रिप करेंगे, ठीक है। तो दिवाली में मेरी वाइफ भी जाएगी अपने घर, तो मेरे पास पूरा टाइम होगा ये ट्रैवल करने का, ट्रैवल व्लॉग्स बनाने का। बट मेरे चैनल का नाम वंडरिंग डैड मैंने रखा है, तो इस टाइप के व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिस टाइप का व्लॉग आज का है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जियान सो गया है और मुझे उसके पास बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसका झूला है उसके नीचे कूद जाता है कभी कभी नींद में। ओके गाइस, तो अभी मैं ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मम्मी थोड़ा ओके ये समझ गए ये लोग। ये मैं अभी सब्जी कट कर रहा हूँ और जी ऊपर सो रहा है, उसकी मम्मी उसको सुलाने गई, इसलिए अभी मैं यहाँ पे ये बारीक बारीक सब्जी चॉप कर रहा हूँ। ये गोभी 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 की सब्जी चॉप कर रहा हूँ, और इतनी बारीक सब्जी मैं चॉप करूँगा ना कि मजाल है कोई मुँह में डाले और घुल ना जाए।
ओके गाइस, तो हाँ अब कहीं ब्रेकफास्ट का मौका मिला है करने का, वो जियांश को उसके साथ ब्रेकफास्ट का टाइम इधर उधर हो जाता है, अब थोड़ा चांस मिला है। नहीं भाई यहाँ पे सब सफाई वफाई हो रही। एक्चुअली ना आज बाहर जाने का एक प्लान बन रहा है, बाहर मतलब कुछ काम है, मेरी भांजी की शादी है तो उसके जो इनविटेशन कार्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है। पोहे तो बहुत अच्छे बनाते हैं पूनम, और मैं ये चाय इसमें लेके आया हूँ। सो गाइस ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये दिवाली की सफाई का है, ये थोड़े दिन रहने वाला है, अभी दिवाली से पहले ये सब साफ सफाई होने वाली है। और अभी जीव थोड़ी देर में उठेगा, मुझे ना अभी नींद आ रही है, उसके उठने के टाइम पे मुझे नींद आ रही है क्योंकि कल रात को मैं लेट सोया था। कल रात को एक्चुअली मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, द सर्वेंट, दो सीज़न, कल लास्ट सीज़न, दूसरा वाला सीज़न मैंने कंप्लीट कर लिया। क्या कर रही है? ओके तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एम नाइट शामलन जिसने द सर्वेंट डायरेक्ट किए, कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट किए, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। उनकी सभी मूवीज़ मैंने देखी है, उनकी लेटेस्ट मूवी का मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, ओल्ड, जो रिसेंटली रिलीज़ हुई थी, वो भी मैंने दो तीन दिन पहले देखी। और ओल्ड देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि वो होता है ना सचिन जब जीरो पे आउट हो जाता है तो उसके जब फैन होते हैं उसको बहुत ऐसे हर्ट होता है, वैसा ही मेरे साथ हुआ। एम नाइट शयमलन से मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था ओल्ड मूवी में, बट वो मिला नहीं मुझे। तो वो पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उनकी वेब सीरीज है एक एप्पल टीवी पे, द सर्वेंट, वो मैंने देखी, दो सीज़न देखी। फर्स्ट सीज़न तो माय गॉड इतना ज़्यादा ग्रिपिंग था, बट सेकंड सीज़न में पता नहीं क्या हो गया। इन शॉर्ट ओल्ड मूवी देखने के बाद जो मुझे डिसअपॉइंट हुई थी वही डिसअपॉइंट मुझे द सर्वेंट वेब सीरीज देखने के बाद भी हो रही है। तो वो सर्वेंट देखने के चक्कर में कल रात को लेट सोया था इसलिए अभी नींद आ रही है, अभी वो शायद जियो उठ गया है। एज यू कैन सी हम दोनों बिना नहाए एकदम घूम रहे, आज संडे इसलिए। टेनी मारनी नदी तो दादी जम्मा लाएगा ले वो दादा हट जा। ये देखो सुबह से ये तीसरा चौथा राउंड है ऊपर जाने का। अरे रुक जा भाई, चल बेटा, कमान ये किसके जैसे सिद्धी है रे? तुम्हारे जैसे। अरे खूबसूरत, अरे खूबसूरत। अभी इसने ना मेरा फ़ोन ले लिया है, अभी इसके हाथ से फ़ोन जल्दी से छीनने के लिए मैं ये ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। अले बेटा, अले अले ले लिया, चल आप ही दे 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 दे, शाबाश। बच्चों के हाथ में ज़्यादा देर फ़ोन देना नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो अभी हमको शादी के कार्ड्स बांटने जाना है, बट उससे पहले यहाँ पे ये देखिए हमारी गाय को ये बच्चा हुआ है अभी इस वाली गाय को, तो उसको देखने के लिए आए लड़की। अपा पासे डीशे लड़की, ये लड़की ओके गाइस, तो अब निकल रहे हम लोग इनविटेशन कार्ड बांटने के लिए, बट अभी फिकर हो रही है क्योंकि वो गाय को बच्चा भी हुआ है तो वहाँ पे भी किसी ना किसी को तो रहना चाहिए, इसलिए पापा को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। पापा देख लेंगे, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर सूरत वाली कज़िन सिस्टर और उनके हस्बैंड, बस बाकी एक दो जन और हैं। अभी फटाफट से इनविटेशन बांट के आते हैं, फिर शाम को
गाय का जो फर्स्ट दूध है वो निकालने की प्रिपरेशन करने पड़ेगी, वो निकालने की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जैसे ही गाय को बच्चा होता है उसके बाद जब उसका दूध निकालते हैं तो उसको थोड़ा पेन होता है, तो वो लात वात सब मारती है, तो वो थोड़ा स्ट्रगल रहता है फर्स्ट टाइम। तो हम लोग आए हैं हमारी सिस्टर के घर में, ये देखिए यहाँ भी काट देते फिर दूसरे दो तीन जगह जाना है। अभी ना शाम के 3 बजे। ओके गाइस, तो अभी बजे है 4:20 और स्टिल हम लोग अभी भी कार्ड्स ही बांट रहे, तो शादी के कार्ड्स हैं तो आप सबको पता ही है बांटने पड़ते, बहुत से ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को भी बांटने पड़ते हैं जिनके साथ हमारा ज़्यादा उठना बैठना नहीं होता। शादी में तो सबको इनवाइट करना ही पड़ता है, मेरी भांजे की शादी है इसलिए गांव में ऐसे छोटे छोटे जितने भी पहचान वाले घर थे ये देखिए यहाँ पे आए, उन सभी को कार्ड दे रहे। एक तो ना हमारे रिलेटिव्स इतने हैं कि आधे रिलेटिव्स के तो घर ही नहीं पता। अभी ये देखिए यहाँ पे हम लोग एक रिलेटिव का घर ढूंढ रहे, कब से ढूंढ रहे। तो चलो यहाँ हो गया, अभी एक लास्ट जगह जाना है फिर ख़त्म। ख़त्म मतलब इनविटेशन बांटने का काम ख़त्म। ओके गाइस, तो ये आप देख रहे हैं ये इसके थन यहाँ पे, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जो सूजा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम पे जो मिल्क कुछ ज़्यादा ही हो जाता है जमा, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया मिल्क, तो इसलिए इसको 2 दिन थोड़ा प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो अभी संडे, तो आज संडे और अभी इंडिया और पाकिस्तान की T20 चल रही है, तो वो देखने के लिए बैठे पापा तो बहुत ही सीरियस होके बैठे कब से। चलो अभी मैं और पापा शर्ट लगा रहे, पापा बोल रहे इंडिया जीतेगा। हेलो, हाँ जी गाइस, तो अभी बजे है 10:15। अभी अभी मैं फ्री हुआ हूँ क्योंकि जियांश अभी अभी सोया है, मैच नीचे चल रही है, पापा देख रहे क्या स्कोर है क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक नहीं है क्रिकेट का, बचपन से ही नहीं है। बचपन में थोड़ा बहुत खेलता था बट उसके बाद तो बिल्कुल भी चला गया। मैं ज़्यादा ये मैं होशियारी नहीं मार रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ तब व्लॉग को बेहतर बनाने की मेरी जो सूझबूझ है वो डे बाई डे बेटर होती जाती है। तो ये फर्स्ट व्लॉग है मतलब आज का फर्स्ट, मतलब अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए अभी ये फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए आई डोंट नो कैसा बना है क्या है, वो तो मैं एडिट करूँगा तब देखूँगा। बट फिर भी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे अभी वैकेशन स्टार्ट होने वाला है 1 वीक के बाद, तो तब हम बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, बहुत से अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। बस यही कहना था, चलिए बाय, गुड नाइट।